नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आईपीएल 2019 का चौथा मुकाबला 2008 की चैंपियन टीम राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब के बीच जयपुर के सवाई मानसिंह मैदान पर खेला जाएगा। अब तक दोनों टीमों के बीच मुकाबलों की बात की जाए तो दोनों ने मिलकर 17 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से राजस्थान रॉयल्स ने 10 और पंजाब ने 7 मुकाबलों में बाजी मारी है। इस लिहाज से देखा जाए तो राजस्थान रॉयल्स काफी खतरनाक नजर आती है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोनों टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में। तो दोस्तों, पूरी जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। तो चलिए डायरेक्ट खबर की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान रॉयल्स की। राजस्थान रॉयल्स टीम की अगर बात की जाए तो टीम के कप्तान अजिंक्य रहाणे और इंग्लिश विकेट कीपर बल्लेबाज जॉस बटलर सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे। मिडिल ऑर्डर में पूर्व ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव स्मिथ, भारतीय बल्लेबाज संजू सैमसन और राहुल त्रिपाठी नजर आ सकते हैं। वहीं लोअर मिडिल ऑर्डर में इंग्लिश खिलाड़ी बेन स्टॉक्स ऑलराउंडर के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे। स्पिन गेंदबाज की पूरी जिम्मेदारी श्रेष गोपाल और कृष्णप्पा गौतम पर होगी। वहीं तेज गेंदबाजी का जिम्मा वरुण अरोन, जयदेव उनादकट और जॉर्फा आर्चर के कंधों पर होगा। दूसरी ओर बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब। अगर किंग्स इलेवन पंजाब की बात की जाए तो केएल राहुल और क्रिस गेल सलामी बल्लेबाज के रूप में खेलते हुए नजर आएंगे। मध्य क्रम में मयंक अग्रवाल, करुण नायर और मनदीप सिंह टीम का हिस्सा होंगे। लोअर मिडिल ऑर्डर में निकोलस पूरन और सैम करन टीम में अपनी जगह बना सकते हैं। स्पिन गेंदबाजी की पूरी जिम्मेदारी टीम के कप्तान रविचंद्रन अश्विन और अफगानिस्तान के लेग स्पिनर मुजीब उर रहमान पर होगी। वही तेज गेंदबाजी का जिम्मा मोहम्मद शमी और अंकित राजपूत के कंधों पर होगा। तो दोस्तों, देखते हैं दोनों की संभावित प्लेइंग 11। सबसे पहले देखते हैं राजस्थान रॉयल्स की संभावित प्लेइंग 11। उसमें आपको नजर आएंगे अजिंक्य रहाणे, जॉस बटलर, स्टीव स्मिथ, संजू सैमसन, राहुल त्रिपाठी, बेन स्टॉक्स, श्रेयस गोपाल, कृष्णप्पा गौतम, वरुण अरोन, जयदेव उनादकट, जॉर्फा आर्चर। बात करते हैं किंग्स इलेवन पंजाब की। किंग्स इलेवन पंजाब की टीम में शामिल केएल राहुल, क्रिस गेल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, मनदीप सिंह, निकोलस पूरन, सैम करन, रविचंद्रन अश्विन, मुजीब उर रहमान, मोहम्मद शमी और अंकित राजपूत। तो दोस्तों, आपके हिसाब से राजस्थान रॉयल्स और किंग्स इलेवन पंजाब में से कौन सी टीम है सबसे ज्यादा खतरनाक? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और यदि आपको खबर पसंद आई तो इसे लाइक करें।